नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खे में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हर रोज़ की तरह एक नया वशीकरण का नया टोटका लेकर आए हैं आपके लिए। यदि आपका कोई अपना रूठ गया है, या परिवार से कोई वापस चला गया है, या आप किसी को मनाना चाहते हैं, या आपसे कोई नाराज़ है, या आप किसी का प्रेम पाना चाहते हैं, या पति पत्नी में तनाव है और उसको दूर करना चाहते हैं, या किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, तो इस चौपाई का जाप करें। यह बहुत चमत्कारी चौपाई है, लेकिन ध्यान रहे कि इसका गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करें, क्योंकि भगवान को भी कष्ट होता है, क्योंकि आपकी कामना पूर्ण करनी पड़ती है और उनकी मजबूरी हो जाती है आपकी मनोकामना पूर्ण करना। इसलिए इस मंत्र का जाप किसी गलत कार्य के लिए ना करें। इस मंत्र का जाप मंगलवार से इस चौपाई का जाप आरंभ करेंगे। नियमित 41 दिन तक इस चौपाई को करना है और लाल वस्त्र धारण करके चौपाई को करें और भगवान श्री राम की मूर्ति अपने समक्ष स्थापित कर लें। और 40 दिन तक आपने कोई मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना है और संपूर्ण सात्विक प्रवृत्ति में रहना है। और यह चौपाई है, उसके बारे में आपको बताते हैं कि आपने किस चौपाई का बोलना है, किस चौपाई को आपने बोलना है और उसका उच्चारण करना है। बताता हूँ चौपाई आपको। जो कह राम लखन बैदेही, ही करी हित हेरी तेही। दोस्तों, ये थी चौपाई, लेकिन आप चिंता मत करें, मैं इसको एक राइटिंग में लिख कर भी आपको अपनी वीडियो में डाल दूंगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो इसको बोलने में। इस चौपाई को बहुत अच्छे तरीके से सावधानी पूर्वक इसका जाप करें और किसी को ये चौपाई यूं ही ना दें, क्योंकि इसका गलत असर आपके ऊपर पड़ेगा, ध्यान रहे इस बात का। तो दोस्तों, ये था आज के अंक में कि आज का वशीकरण टोटका जो मैंने आपको अभी बताया है, उसका प्रयोग करके आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और जिसको करने से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये चौपाई पसंद आई होगी और ऐसे ही मैं और भी चौपाई आपके सामने लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नई जानकारी मिल सके। धन्यवाद।